नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहा हूँ, पूर्वीय गीत क्या है। सचमुच में पहले पूर्वीय गीत क्या है उसको जानने के पहले हम लोग देखें कि सचमुच में पूर्वीय गीत लिखे कौन है। तो पूर्वीय गीत के लिखने वाले या गाने वाले में सबसे प्रमुख, या हम कह सकते हैं कि उसके जनक ही माने जाते हैं, वे है महेंद्र मिश्र। उनका जन्म सारण जिला के जलालपुर प्रखंड मिश्रवलिया गांव में हुआ था, और उनके समय में लोग नौकरी करने के लिए कलकत्ता में जाते थे। शादी होने के तुरंत बाद, कुछ ही महीनों के बाद वे चले जाते थे, और बहुत दिनों के बाद, फिर साल भर दो साल के बाद लौटते थे। और चिट्ठी पत्री ही उस समय माध्यम था। और सचमुच में कहा जाए तो उन महिलाओं का जिनके पति शादी के तुरंत बाद कलकत्ता चले जाते थे, उन्हीं की विरह व्यथा ही इसमें चर्चा है, या विरह व्यथा को व्यक्त किया गया है पूर्वीय गीत में। एक और भी इसका स्रोत है, क्योंकि पूर्वीय गीत तो महेंद्र मिश्र गाए ही और लिखे भी, उनके पहले उस समाज में यानी कि सारण के क्षेत्र सिवान गोपालगंज में सुबह सुबह महिलाएं जात चलाने के समय में जो गीत गाती थी, जिसे जतसार कहा जाता है, अब तो विलुप्ति की स्थिति में है, उसमें भी पूर्वीय की झलक है। साथ साथ महिलाएं जो शादी के समय झूमर गाती हैं, उसमें भी पूर्वीय के झलक है। तो सचमुच में पूर्वीय के प्रणेता महेंद्र मिश्र ने काफ़ी अधिक इस क्षेत्र में काम किए, और आज भी उनके गीत हर घर में प्रचलित हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका एक गीत का बोल मैं आपके समक्ष सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब वह गीत है, अंगूरी में डसले वा नगिनिया है, दियरा जला दो, दियरा जला दो, अपने भैया के बुला दो। एक औरत अपने ननद से कह रही है, एक्चुअली विरह ही इसमें व्यक्त हो रहा है, कि अंगूरी में नगिनिया डसने का मतलब हुआ कि सचमुच में वो विरह व्यथा में है, और अपने ननद से कह रही है कि अपने भैया को बुलाइए। और भी बहुत सारे इस तरह से उनके गीत हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं और काफ़ी सारगर्भित भी हैं। तो धन्यवाद मित्रों उन कलाकार को जिन्होंने पूर्वीय को जन जन तक पहुंचाया, कोटि सह नमः। और आपको भी धन्यवाद, आपने ध्यान से इसको सुना। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात।